युवक ने युवक को दुल्हन बनाकर छोड़ा। दूल्हा बने युवक ने दुल्हन बने युवक के साथ की ठगी, मारपीट और घर से भगाया। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रावस्ती तक न्यूज। प्राप्त जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि कन्नौज जिले में पुलिस अधीक्षक के दरबार में एक ऐसा मामला, अजीब गरीब मामला आया, जहां लड़की के भेष में एक युवक शिवम ने प्रार्थना पत्र देकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने बताया है कि उसने प्रेम जाल में फंसकर ग्राम शिलवापुर थाना ताल ग्राम जनपद कन्नौज के रहने वाले प्रबल कुमार से मंदिर में 2 जून को शादी की थी और पत्नी बनकर उनके घर में 2 दिन तक रही। 4 जून को प्रबल कुमार ने उसे मारपीट कर घर से निकाल दिया और उसके पास मौजूद 500 रुपये, 1 सोने की चैन, 2 अंगूठी आदि ले लिया। फरियादी युवक पड़ोसी जनपद शाहजहाँपुर का निवासी है। वहीं पुलिस अधीक्षक ने मामले की जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। जांच के बाद प्रकरण से पर्दा उठेगा। मामला कहां तक सच है? क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। एसपी साहब से पास मिलने आए, क्या है पूरा मामला? सर ऐसा था जी, हमसे बात कर रहा था तो हमने से बात की थी, इसमें लालच की वजह से ना मंदिर में शादी की, मेरी चैन अंगूठी थी वो भी ले ली और पायल थी वो भी ले लिया, और इसने अपने घर पे 2-3 तारीख घर पे 4 तारीख इसने रास्ते में मुझे मारा पीटा, छोड़ दिया आके गांव में, और पैसे भी नहीं दे रहा और मतलब मुझसे बात भी नहीं करा, प्ले लिस्ट में नंबर डाल दिया और लोगों के फ़ोन लेके फ़ोटो थी रजिस्टर फ़ोन मरवा दिया, मेरा भी रजिस्टर मार दिया। तो ये कौन है, कहाँ रहने वाला है? शिलवापुर का रहने वाला है। तो इससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? ये सिकंदरपुर में आता था तो इससे ही हो गई। आप कहाँ रहने वाली हैं? शाहजहाँपुर में। हाँ। तो इससे पहले भी कहीं शिकायत की थी आपने? नहीं, सिकंदरपुर में कहा तो कौन कोई सुनी नहीं रहा। सिकंदरपुर चौकी गई थी? हाँ। वहाँ कोई सुनवाई नहीं? नहीं, 2-3 बार गए तो सर मिले नहीं थे।